तब फिर अल्लाह को राजी करना किस कदर जरूरी होगा। कैसे राजी होगा इस पर गौर कीजिए। चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं दलाइल की रोशनी में। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यर्दा लकुम सलासा, अल्लाह तीन बातों से राजी होता है, तुम्हारे तीन आमाल से अल्लाह राजी होता है। अंताबुदूहु, उसकी बंदगी करो, उसकी बंदगी करो। सिर्फ रमजान में नहीं, ममा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, पैदा इसीलिए किया। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, पैदा ही इसलिए किया। बअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक जिंदा है इबादत तुझे करना हो। अंताबुदूहु, अल्लाह राजी होता है कि उसकी इबादत करो, किसी और की नहीं, उसकी इबादत करो। बला तुशरिकू बिही शैया, उसकी इबादत का हक अदा होता है, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह राजी, आप खुश नसीब हैं, आप इस मजहज पर गामजन हैं, बाकी हैं डटे हुए। शिर्क बिदात के घटाटोप अंधेरों से अल्लाह ने आपको निकाल दिया। तीसरी बात, अंतअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो, तफरका बाजी में ना पड़ो, अल्लाह राजी होगा। ये अल्लाह के रिजवान के रजामंदी के रस्ते, चेक कीजिए इबादत का क्या हाल, शिर्क से दामन कितना बचा हुआ है, और एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कितना थामा हुआ है। तफरके में ना पड़ो, हम तफरकाबादी से कितना दूर, अल्लाह से राजी। दूसरी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कहे रसीतु बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया, कान हक्कन अलल्लाह अन युज़ियहु यौमल क़ियामा, जो सुबह कहे शाम कहे रसीतु बिल्लाह रब्बा, अल्लाह में तेरे रब होने पे राजी, मैं तेरे सिवा किसी को रब नहीं मानता, बबिल इस्लाम दीन, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस पे राजी, बबे मोहम्मद नबिया, और मोहम्मद के नबी होने पर राजी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह कहे शाम कहे, फरमाया अल्लाह पर वाजिब हो जाता है कि अल्लाह इस बंदे को कल कयामत के दिन राजी करे, अल्लाह इससे राजी। इतना आसान सौदा, इतना महंगा सौदा यहां दस्तियाब, वजीफा नहीं कर सकते हम। रसीतु बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मद नबिया, अल्लाह पर वाजिब हो जाता है कि अल्लाह इस बंदे को राजी करे, अल्लाह इस बंदे से राजी हो जाए। यह है अल्लाह के रिजवान के रास्ते, वो रिजवान जो जन्नत में हासिल होने वाली, उसके मौके अल्लाह ने यहां मुयस्सर किए, यहां मुहैया किए, यहां अता किए। कुरान ने कहा इन तश्कुरू यर्दहु लकुम, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह राजी होगा। बताइए कि आज शुक्र कितना है,
हमारे यहां शुक्र की तारीफ क्या है, थोक के हिसाब से डट के खाना खाओ, जोर से डकार मारो, फिर कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे यहां। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की इबादत में खुद को इतना थकाया, इतना थकाया, इतना थकाया, क़ियामे लैल में अभी जो आपने अदा की, क़ियामे लैल में खुद को इतना थकाया कि पैर मुबारक सूज गए, वरम आ गई। पूछा गया इतनी मेहनत किस लिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफला अकूद अब्दन शकूरा, ये शुक्र गुजारी। मैं लोगों को शुक्र अदा करने का तरीका बता, शुक्र ऐसे अदा قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون। इनसे कहो जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, जिसने ये समात बनाई है, ये बसारत बनाई है, ये दिल बनाया है, तुम उसका शुक्र बहुत कम अदा करते हो। जिसका दिल खराब हो जाए ना, उससे पूछो, डॉक्टर कहते हैं ला इलाज है, मार्केट में नहीं मिलता। जिसकी समाज बिगड़ जाए, नकली पुर्जे तो डाल देते हैं, चली गई तो चली गई, बसारत चली गई आंखों की तो चली गई, कली लम्मा तश्कुरू। अमलु आला दाऊद शुक्रा व कलीलु मिन इबादी शकूर, आले दाऊद ऐसा अमल करो कि शुक्र अदा हो जाए, अमल से शुक्र अदा हो। और कलीलु मिन इबादी शकूर, मेरे बंदे बहुत हैं मगर शुक्र गुजार थोड़े से, शुक्र गुजार थोड़े क्यों है, तादाद तो बहुत है। शैतान अपना काम कर रहा है, उसने कहा काफा बिमा अग़वैतनी लाअहुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तूने मुझे निकाल दिया जन्नत से, रांगा दरगाह कर दिया, अब मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। सुम्मल आतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, फिर मैं सामने से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा। वला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन, लोग बहुत होंगे मगर ना शुक्र होंगे, इसलिए शुक्र कम होता है। इन तश्करो यरदहु लकुम, फरमाया शुक्र अदा करो अल्लाह राजी। क़यामत के दिन सवालात होंगे, पता है आप, उसमें यह सवाल होगा जब्बस्तु का निशा, और मैंने तेरी शादी करवाई थी, आईना शुक्र उदाले, उसका शुक्र कहाँ है? क्या पूछा जा रहा, तो कमारा नहीं था, तेरा जोड़ा बनाया था मैंने, उसका शुक्र भी अदा करना है। जान तो का तरस, तुझे सरदारी दी थी, तुझे क़यादत दी थी, लीडर बनाया था, आईना शुक्र उदाले, उसका शुक्र कहाँ? वह अरकब तुकल खैल, तुझे सवारी अता की थी, आई ना शुक्र दाली, उसका शुक्र कहा? एक एक चीज के बारे में पूछा जाए। सुम्मल तुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में सवाल। तो अल्लाह के रिजवान का रास्ता मेरे दोस्तों क्या है? इन तश्कुरु, अगर तुम शुक्र कर, यरदहु लकुम, राजी होता है। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने इन्नल्लाह ताला ला यर्दा अनिल अब्दे, अल्लाह बंदे से राजी होता है इदा अकला अल अकला और शरेबा शुरबा फयहमदहु अलैहा और कमा काला अलैहिस्सलाम, फरमाया बंदा खाना खाता है, अपने पेट की आग बुझा रहा है, अपने गले की प्यास बुझा रहा है, लेकिन हर लुकमे पर, हर घूंट पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसके इस अमल से राजी हो जाता है। तो खाना भी खा तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। और अल्लाह के लिए खाना छोड़ दे, रोजा रख ले, तो भी अल्लाह राजी हो जाए। मोमिन की शान देखे, खाता है शुक्र अदा करता है, अल्लाह राजी होता है। खाना छोड़ देता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह राजी होता है। अपने आप को टटोलना चाहिए कि हम ईमान के किस दर्जे पे हैं। मोमिन को तो कांटा भी चुभे और वो मुंह से कहे हाय, तो उस पर भी उसको अजर मिलता है।
उसको भी अजर मिलता है। यह है मोमिन की शान। शुक्र को टटोलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने क्या कुछ अता किया है, शुक्र कहा है। लाइन शकर तुम लाजी दन्नत, शुक्र करोगे तो और मिलेगा, शुक्र करोगे और मिलेगा। अल्लाह के रिजवान शुक्र गुजारों के, शुक्र गुजारों के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ना हम बरहना पा है, ना बरहना जिस्म है, ना भूखे पेट है, हाँ जी ना बगैर छत के हैं, सब कुछ अल्लाह ने अता कर दिया। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतें शुमार भी नहीं कर सकते। शुक्र अदा करो, शुक्र भी अदा करोगे एक इबादत है और अल्लाह राजी होगा इस शुक्र की वजह से। अल्लाह के रिजवान जन्नत से महंगी, जन्नत में जाकर मिलेगी, मगर यहां अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह को राजी करो तो कर सकते हो। औरात क्या है, वजीफा क्या है, अमल क्या है, बता। जामे तिर्मिज़ी को उठाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रिजल रब्बे फिर रिजल वाली, अल्लाह राजी होता है कैसे पता चले, अपने बाप को देख वो तुझसे राजी है तो समझ जा कि अल्लाह भी तुझसे राजी है। कितना आसान सौदा है। फरमाया अल्लाह की रजामंदी जिसको तू तलाश करता है, कभी भूखा रह गए कभी जाग कर, वो रजामंदी तेरे बाप की रजामंदी में है, तेरा बाप तुझसे राजी है तो समझ जा रब भी तुझसे राजी है। बस सख्त और रब फिर सख्त वालिद, और जब वालिद नाराज हो तो समझ जाना तेरा रब भी तुझसे नाराज है। सोची टटोली आज वालदेन के साथ क्या सलूक हो रहा है, इल्ला माशा। वो अल्लाह के रिजवान जो जन्नत में मिलेगी, जो जन्नत की नेमतों से महंगी है, इतनी आसान है कि घर में बाप है बस तो बाप का हो जा अल्लाह तेरा हो जाए। कितना कुछ नसीब वो बेटा होगा और कितना कुछ नसीब वो बाप होगा, कि अल्लाह ने अपने रिजा को बाप की रजामंदी से बांध के रख दिया। इमाम कायनात से ऐलान करवा दिया रब की रजामंदी बाप की रजामंदी में, तेरा कोई खर्चा नहीं होता, तो साथ रहता है, तेरे दुनिया में आने का सबब तेरा बाप। इसीलिए अब एक बंदे ने आकर कहा मेहनत मैं करता हूं, कमाता मैं हूं, अब्बू जी पैसे ले लेते हैं। नबी इस्लाम से शिकायत की, आपने उसका हाथ उसके बाप के हाथ में देकर कहा अंतब मालो कल्याबी का, तेरा कुछ नहीं, तेरा माल भी इसी का है, तू भी इसी का है, तेरा है क्या। बगैर बाप के बेटा नहीं होता, बगैर बेटे के बाप बहुत है, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। बाप मौजूद है, बेटा जरूरी नहीं, मगर बेटा के लिए दुनिया में आना है तो बाप जरूरी है। ये बाप का मकाम, ये बाप का मर्तबा। कभी सुना है कोई ऐसा शख्स जिसका बाप ही कोई ना, सिवाय आदम अलैहिस्सलाम के, हव्वा और ईसा के, बस। जानवरों के अंदर भी यही सिलसिला, इंसान तो फिर इंसान। तो अल्लाह की रिजवान जो इतनी महंगी, जन्नत में भी बाप में मिलेगी। मुझे और आपको यहां हाथ से अगर बाप मौजूद है ना, उसको राजी कर ले, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के रिजवान वो कीमती चीज कैसे मिलती है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सिवा को निस्वा मतहरतुल लिलफम, तेरे मुंह को साफ करती है, व मरसातुल रब, तेरे रब को राशि करती है। इतना आसान सौदा, इतना महंगा सौदा तेरे जेब के अंदर, तेरे कान पे लगी हुई, तेरे हाथ में है, तेरे वुदू खाने पे रखी हुई, तेरे बेसन पे रखी हुई, कोई रखे तो सही। एक लकड़ी का टुकड़ा ही तो है ना, और क्या है, मगर कुर्बान जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रिजवान जो इतनी महंगी है कि जन्नत में भी बाद में मिलेगी,
इस मिसबाह के टुकड़े पर रखी है, तेरा मुंह भी साफ होगा, तेरा रब भी राजी होगा, मिसबाह किया। आज कौन करता है, हमने तो उसका बदल निकाल दिया ना, टूथपेस्ट निकाल दिया। अच्छा, रोजाना रमजान से पहले ना उठने के बाद ब्रश करता था, आप कहता है शेरी खा के करूंगा, फिर पूछता है तेरी हो जाता है तो पहले कर लेना। सुबह में क्यों डालता है खुद को, पहले कर लेना। और फतवा देने वाले कहते हैं जी मिसवाक में भी तो जायका होता है। जी हाँ, मिसवाक में जायका होता है, मगर मिसवाक हदीस से साबित है, तेरा ब्रश हदीस से साबित नहीं है। मिसवाक इसलिए जायज है कि मेरे नबी ने रोजे में की है, इसलिए हम कहते हैं मिसवाक किया। और जो कुछ करना है शहरी से पहले कर, या फिर इफ्तारी के बाद, सुबह में क्यों डालता है खुद, फतवे तो मिल जाते हैं, फतवे तो मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं, मगर अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए ना। तो मिसबाक से अल्लाह राशी होता है, कितना छोटा सा अमल सोचे। अगर बुनियाद यह हो कि यह अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बुनियाद पर मिसबाक का अल्लाह राशी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला इदा अहब्बा कौमन इब्तला, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है ना उसको आजमाइश में डाल देता है। अल्लाह का अंदाज था, हम क्या कहते हैं अल्लाह आजमाइश में ना डालना, ठीक है हम इस काबिल नहीं है, हरज कोई नहीं, मगर हदीस क्या कह रही है इन्नल्लाह ताला इदा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है ना उसको आजमाइश में डाल देता है। फमन रजिया फलहुर रिजा, जो अल्लाह की आजमाइश पर राजी हो गया अल्लाह के रिजवान उसी के लिए, अल्लाह उससे राजी। फमन सखता फलहुर सुख, और जो नाराज हो गया कि मेरा घर है परेशान करने के लिए मैं रह गया, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। कभी आजमाइश आ जाए तो हाय हाय नहीं करना चाहिए, अल्लाह से शिकवा करें अल्लाह हम कमजोर हैं, गाते ना फिरे रोते ना फिरे कि हमारे घर में क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नमाज पढ़ते हैं, तेरी नमाज का हाल क्या पता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नर रजुला लयंसरिहु मिन सलातिही बमा युक्तबु लहु इल्ला उश्रुहा औ तुस्उहा औ सुमुनुहा औ सुबुहा, बंदे नमाजी बहुत होते हैं, सलाम फेर के किसी को 10 नंबर मिलता है, किसी को 9 मिलते हैं, किसी को 8 मिलते हैं, किसी को 7 मिलते हैं, सारे बराबर नहीं होते। कभी घमंड में नहीं आना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ता हूं, यह सोच के नमाज का हाल क्या है, नमाज का हाल क्या है। इन सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है, तेरे बदात तो भरे हुए हैं नमाजियों से भरे हुए, और नमाजी क्या करते हैं खलबतों में जलबतों में तो अल्लाह ही जानता है, मीडिया उन्हें क्या सिखाता है, फेसबुक उन्हें क्या दिखाता है, यूट्यूब उन्हें क्या सिखाता है। फरमाया आजमाइश आ जाए तो राजी हो जाए, राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, ये अल्लाह के रिजवान का रास्ता। अल्लाह के रिजवान, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह से डरने वालों को मिलती है। फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी, कौन ذلك لمن خشى ربه, ये उनके लिए है जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत अल्लाह के रिजवान को दावत देती है, अल्लाह राजी हो जाए, और सिर्फ राजी नहीं होता तुझे भी राजी करेगा, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, तू भी राजी होगा वो भी राजी। अल्लाह का निजाम, सहाबा को रिजवान की डिग्री ऐसे नहीं मिली, वो भी राजी हुए ना, पहले बंदे को राजी होना होता है फिर अल्लाह राजी होता है। अल्लाह ने कहा सख्त सर्दी है तुझे वुदू करना है,
तुझे बिस्तर छोड़ना है, तुझे निशल्ले पर आना है, तूने हय्याल सला का जवाब देना है, फिर अल्लाह राजी। पहले तू राजी, पहले तू राजी होगी। अल्लाह ने कहा हय्याल जिहाद, निकलो दुश्मन के मुकाबले, छोड़ो बिस्तरों को, बीवियों को, बच्चों को, पहले तू राजी हो। सहाबा राजी। हंजला की शादी हुई, अब ये गुसल भी नहीं कर सके, जिहाद की आवाज लगी, हंजला बाहर। और फिर अल्लाह ने मकाम ये दिया, मर्तबा ये दिया, सारे कुल्लों का गुसल इंसानों ने दिया, हंजला का गुसल अल्लाह के फरिश्तों ने दिया। तो पहले हम राजी हो अल्लाह के फैसलों पर। हम कितने राजी होते हैं? ये बेनमाजी हैं, ये राजी है? ये बेरोजगार के अल्लाह के फैसले पर राजी है? जो जकात नहीं देते, क्या ये अल्लाह के फैसले पर राजी है? जो वालदैन को तंग करते हैं, क्या ये अल्लाह के फैसले पर राजी है? नहीं राजी। तो फिर अल्लाह कैसे राजी? रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह तो उनसे राजी होता है जो अल्लाह के फैसलों पर राजी है। जब मिजाज यार में आए, सरे तस्लीम खम है, तो मिजाज यार में आए, जो रब ने कह दिया ठीक। अगर अपने मालिक की हम नहीं सुनेंगे, खालिक की नहीं सुनेंगे, तो फिर हमें जिंदा रहने का क्या हक है? फिर ये जिंदगी वापस कर देनी चाहिए। बात को समझे, पैदा क्यों किया? इबादत के लिए। अगर इबादत ना करें, जिंदा रहने का क्या हक? आप बंदे को रखते हैं, यदि ये काम करना होगा, ये टाइम है, ये सैलरी है, वो सारे काम करता है, मगर वो काम नहीं करता जिसके लिए रखा है, बताइए आप उसे निकालेंगे रखेंगे? ये तो अल्लाह का हौसला है, अल्लाह सबूर है, ये उसने पैदा इबादत के लिए किया, और जो इबादत नहीं करता उसको भी जिंदगी दे रहा है, रोजी दे रहा है, औलाद दे रहा है। हम तो निकाल के बाहर कर देते, हम तो कहते हैं तेरी कमाई हराम की है, तो पैसे पूरे लेता है, काम आधा करता। ये तो अल्लाह का एहसान है, उसने नहीं कहा पांच नमाजें पर एक हाथ ले जा, जब पांच पूरी हो जाएंगी फिर दूसरा दूंगा। और अल्लाह की कसम, अगर ऐसा होता ना, शर्तें लगाता मेरा मालिक, एक कान लेगा, दूसरा कान जब दूंगा जब रोजे रखकर आएगा, एक आंख लेगा, दूसरी आंख जब दूंगा जब क़यामे लैल करेगा, फिर कोई मुसल्ला छोड़ के ना जाता। वो कहता मैंने हाथ आज ही लेना है, मैंने कान आज ही लेना है, मैंने आंख आज ही लेनी। अल्लाह ने तो बिन मांगे दे दिए। तो अल्लाह का खौफ जिसके अंदर है, उसको कहा ذلك لمن خشى ربه, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उससे राजी, अल्लाह उससे राजी। सोचिए, अपनी खलबतों को टटोले, अपने जलबतों को टटोले, अपनी तन्हाइयों को टटोले, अल्लाह का खौफ कितना है, कितना अल्लाह का खौफ। आज तो इंसान बेखौफ हो, कैमरे की आंख देख रही हो तो बड़ा मोहतात रहता है, कैमरे की आंख देख रही, अब्बा देख रहे हो तो मोबाइल को छुपा लेता है, ऑफ कर देता, अब्बा देख रहे हैं और तो बीवी देख रही है, मगर अल्लाह जो जलबतों में देखता है, खलबतों में देखता है, तन्हाइयों में देखता है, मेरा रब उससे हया नहीं आता। मालकुम ला तरजून अल्लाह बकारा, तुम्हें क्या हो गया, तुमने अल्लाह की इज्जत को क्या समझा? मुसलमान बंदा हर चीज से डरता है सिवाय अल्लाह, क्यों? और अल्लाह ने कहा रिजवान उसके लिए है जो अल्लाह से डरता है, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, ذلك لمن خشى ربه, जो अल्लाह से डरता अल्लाह से राजी होता है। आज डर जाइए, वो जन्नत की रिजवान यहां नहीं। अल्लाह की रिजवान कैसे मिलती है? फरमाया अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। महाजिर सहाबा, अंसार सहाबा, जो उनके नक्शे कदम पर चले शरह सदर के साथ, दिल की खुशी के साथ, उनको मेयार ईमान बनाए कि अल्लाह ने सहाबा को चुना है, मैं ऐसे जिंदगी गुजारूंगा जैसे सहाबा ने गुजारी है, सहाबा से खुश होता है, राजी होता है। अल्लाह ने कहा मैं तुझसे राजी होता हूं। सहाबा से अल्लाह राजी, जो उनके पीछे चले अल्लाह ने फरमाया मैं उससे भी राजी। सोचिए कि हमने सहाबा को क्या समझा है। यहां तो ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अल्लाह का बनाया हुआ मेयार, इन आमनो बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ, अल्लाह ने कहा ऐसा ईमान लाओ जैसे ये लोग लेकर आए,
सहाबा में आयार है ईमान है, वह मैयार को ठुकरा कर कहता है हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आप करंसी का मैयार बनाते हैं ना, नोट असली है नकली है चेक करते हैं, दूध असली है नकली है, शहद असली है नकली है, घी असली है नकली है, एक मैयार है। जो आपके मैयार को ना माने आप फौरन समझ जाएंगे बंदा खोटा, सिक्का खोटा, बंदा दो नंबर। और जो अल्लाह के मैयार को ना माने वो कितना बड़ा दो नंबर होगा। ये कौन है जो सहाबा को मैयार नहीं मानता? अल्लाह ने कहा हम सहाबा से राजी, तुम सहाबा के साथ चलो हम तुमसे राजी। खुश नसीब है वो लोग जिनका अकीदा, जिनका मनहज, जिनका सलूक, जिनका तरीक वो है जो सहाबा के नाम का। मेरे नबी ने कहा 73 फिरके होंगे, पूछा 72 की बात नहीं करते, जाए जहन्नम में, जन्नत में जो जाएगा वो क्या होगा? उनका अकीदा, उनका मनहज, उनका अमल को होगा तो मैं और मेरे सहाबा। ये कामयाब लोगों की अलामत। तो सहाबा से राजी अल्लाह, हम राजी हो सहाबा से, उनके साथ चलें, उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके लिए दुआएं करें। रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानिन अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान वला तज़अल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीन आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ने दुआएं सिखाई, दुआएं करें अल्लाह हमसे राजी। और याद रखिए बंदे तीन ही है दुनिया में, महाजर सहाबा, अंसार सहाबा और उनसे मोहब्बत करने वाले, बाकी सारे गुमराह। बंदा तीन है कायनात में बस, या तो महाजिर सहाबा होंगे या अंसार सहाबा होंगे या उनसे मोहब्बत करने वाले, बाकी सारे गुमराह। कोई हैसियत नहीं किसी, कम है या ज्यादा है, बंदा वही अल्लाह के हाँ, या तो महाजिर सहाबा में से हो या अंसार सहाबा में से हो या उनसे मोहब्बत करने वाला हो बस। और यहां मैं कह दूं कि हमें अपनी मोहब्बतों का मैयार भी सीधा करना चाहिए। हमारे दोस्तियां किन के साथ, हमारा उठना बैठना किन के साथ, हमारी मोहब्बतें किन के साथ, सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, टटोलना चाहिए। और अगर कोई कमी कोताही वाला दोस्त साथ में है तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए। हम इस्लाह नहीं करते उनकी नाराज हो जाए। अमर बिल मारूफ तो करते हैं चिल्ले लगा लगा के, नहीं अनिल मुनकर नहीं होता। अरे कलमा पढ़ना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, कलमा सही करा दो, नमाज पढ़नी चाहिए, ये भी तो बताओ। शिर्क नहीं करना चाहिए, बिदात नहीं करनी चाहिए, ये भी तो बताओ, ये कौन बताएगा? और जी नाराज हो गए तो तूने नाराज किया है, तो शरी मसला है ना। नबी इस्लाम को लानत भेजी है, लान अल्लाह यहूद व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया मसाजिदा, लानत यहूद नसारा पे जो अंबिया की खबरों को सजदागाह बनाते। बताइए ये लानत के अल्फाज़ सुन के वो करीब आएंगे, भागेंगे, भागेंगे। कुछ लोगों को भगाना भी जरूरी होता है, कुछ लोगों को भगाना भी जरूरी होता है। यह मनज है हमारा, यह अकीदा है हमारा। हमारे कौम का क्या मिजाज है, घर दबारे में गए तो पीले दुपट्टे डाल लिए। कौन है? शेखुल हदीस है, अमीर मोहतरम है। वो हिंदू बन गया वो सिख, अगर जहां भी आता अपने लिबास में आता है तुझे हया नहीं आती? तो वहां जाता उसका रंग रंग जाता। हम किसी लेबोरेटरी में चले जाए ना, वो हमें भी पूरा डॉक्टर का लिबास पहना देते हैं, ग्लव्स पहना देते हैं, मास्क लगा देते हैं, कहते रूल है आप ऐसे नहीं जा सकते। और ये नाम लिहाज हमारे लीडर, ये डाके हमारे नाक कटवा रहे, ये कभी दुबई में मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है, कभी कुवैत में मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है, और हमारे मौलवी को सिवाय रियाल के और काम कोई, और कोई काम, कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला। सहाबा के दुश्मनों के आगे भी हो जाती, ये पीछे भी हो जाती। हालात का तकादा, अच्छा ये हालात का तकादा है, ऐने जिन्ना रोड पे बैठ के गालियां दे अल्लाह के महबूब हस्तियों को, नबी के यारों को, अब तो कह दिए हालात का तकादा। आंख बंद होने की देर है, सब समझ में आ जाए किससे दोस्ती लगाई थी और किससे नहीं लगाई थी, किसकी इसलाह की थी और किसकी नहीं की थी। इनकार मुनकर होना चाहिए, हाँ हिकमत के साथ, दानाई के साथ, मगर इनकार मुनकर फर्ज है। लेकिन जिसको देखो वो खिलाने को तैयार है, पिलाने को तैयार है, चर्सी मवाली भंगी चूड़े चमार दस्तरखान लगे हुए और काम कोई नहीं।
कोई तौहीद समझाए, कोई सुन्नत की बात करे, नहीं। और वो जो अल्लाह के लिए वक्त हो गए, वो इदारे, वो दीनी मदारिस, वो मसाजिद, वो परेशान है, उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे बेचारों, उनको कोई नहीं देख रहा। वो जो 12 महीने दस्तरखान लगाते हैं बच्चों के लिए, उनको कोई नहीं देख रहा। मीडिया बार का दौर है ना, तस्वीरें चलती हैं, एक चेले को 4 बंदे उठा के देते हैं, वो बेबा अकेली उठा के ले जाती है, तस्वीरें 4 की आती है, आटा बाटा है। तो बाप में कर रहा था, सहाबा से राजी, सहाबा के पीछे चले, अल्लाह ने कहा न उससे राजी, सहाबा के मनहज को इख्तियार करें, सहाबा के अकीदे को इख्तियार करें, अल्लाह की रिजवान मिली। सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीका कायनात ने एक मरतबा अमीर मुआविया को खत लिखवा दिया, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा को खत लिखवा दिया, मुआविया अल्लाह को राजी करो, लोग भले नाराज हो जाए, अल्लाह को राजी कर लो, लोग भले नाराज हो जाए, लोगों का दिल अल्लाह के हाथ में है, वो लोगों को भी राजी कर देगा। और अगर तुमने लोगों को राजी किया, अल्लाह को नाराज किया, तो दिल तो अल्लाह के हाथ में है, वो लोगों को भी नाराज कर देगा, मिलेगा कुछ नहीं। बात आई समझ? अल्लाह को राजी करो, अल्लाह लोगों को राजी करे, और अगर तुमने लोगों को राजी किया, अल्लाह को नाराज किया, तो अल्लाह लोगों को भी नाराज कर देगा, दिल पे हुकूमत उसकी चलती है। यह मैयार है, अल्लाह के रिजवान को तलाश करना है तो अल्लाह की इताअत के साथ, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ, लोगों के याराने से नहीं। हां, जो अल्लाह के दोस्त हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं, उनकी दोस्ती होनी चाहिए, उससे अल्लाह की रिजवान मिलती है, अल्लाह राजी होता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रिजवान पे हमारी नजर होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कब राजी होता है, वो कौन से औराद है, कौन से असकार और वदाइफ और आमाल है कि इतनी कीमती चीज जो जन्नत में भी जाने के बाद मिलेगी वह हमें कैसे मिल सकती है। सहाबा कितने कुछ नसीब होंगे कि जन्नत में हम जाएंगे, रहेंगे, कुछ टाइम गुजारेंगे, फिर ऐलान होगा तुमसे राजी, और वो अभी गए भी नहीं, जमीन पे रहते, अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, है पे मुकाबला उनका। हमें डिग्री वहां जाकर मिलेगी और उनको डिग्रियां याद भिजवाएगी, कितना फर्क, कितना फर्क। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, ला तसुब्बु अहदम मिन असहाबी, मेरे किसी सहाबी को बुरा ना कहना, लव अन अहदम अनफका मिसला अहदिन सहाबा मा बलग मुद्दा अहदिन बला नसीफा, तुम्हारे अहद पहाड़ के खदा ने मेरे सहाबी के एक मुठ जौ को नहीं पहुंच सकते, आधा मुद जौ को नहीं पहुंच सकते, तुम्हारी कोई हैसियत, उनकी हैसियत है, अपनी हैसियत बनानी है तो उनकी हैसियत को तस्लीम करो, ये अल्लाह के रिजवान का रास्ता। कुरान मजीद में है, वमन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नफ्स का सौदा कर लेते हैं ताकि अल्लाह राजी हो। ये किसके बारे में है? सुहैब रूमी के बारे में, मुसअब बिन उमैर के बारे में, सब कुछ देकर आ गए, लुटा कर आ गए, तन के कपड़े भी देकर आ गए, रिश्तेदारों ने कहा ये बीवी जो तू लेकर जा रही है तो हमारी बेटी थी, छोड़ के जा, ये जो औलाद लेकर जा रहा है हमारी बेटी ने जन्म दिया, छोड़ के जा। जाने लगा तो माने का लिबास भी उतार के जा, मैंने दिया था, जैसे तैसे लोगों से मांग के चादर लपेट के अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंचे। अब पूरा किस्सा सुनाया गया, सब कुछ छीन लिया मेरे से, अल्लाह ने आते नाजिल कर दी, वमिन अल्लाह से मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, कुछ लोग अपना सौदा कर लेते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, बोल क्या चाहिए, कपड़े चाहिए ले कपड़े भी ले ले, औलाद चाहिए ये भी ले ले, माल चाहिए ये भी ले ले, मैं ऐसे ही चला जाता। नबी इस्लाम ने किस्सा सुना, लोगों ने कहा ये तो खसारे का सौदा है, मेरे नबी ने कहा रबे हल बे रबे हल बे, सुहेब तेरी तिजारत तो कामयाब हो, तू तो कामयाब हो, तुझे तो अल्लाह ने कह दिया कि तूने अपने आप को बेच लिया, अपने आप को खरीद लिया अल्लाह के। आज हम में से कौन ऐसा है
हमारे अपने ख्वाहिशात है, हमारे जज्बात है, हमारी बरादरी है, हमारी सोसाइटी है, और ये दिल नहीं मानता, और ये दिल नहीं मानता। आखिरी बात सुन लें, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिहि वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। एक बात बस फरमाया, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और अपने दिल को कह दे तेरी नहीं माननी, बनाहा नाहा का माना मना कर दिया, वनहा नफ्सा अपने दिल को इसने मना कर दिया, मैं तेरी नहीं मानता, फइन्नल जन्नता हियल मअवा, जन्नत उसी, जन्नत उसी। इसे दिल को समझाओ या दिल पागल होता है। इसमें ईमान होना चाहिए, इसमें इखलास होना चाहिए, इसमें मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें चाहत होनी चाहिए। किसकी? अल्लाह, अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के कुरान की, अल्लाह के नेक बंदों की इबादत। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, एक ही बात पर अल्लाह ने फैसला कर दिया, जो ये कह दे अपने दिल से कि मैं तेरी नहीं मानता, अपने रब की मानता हूँ जिसने ये दिल बनाया, जिसने ये वजूद बनाया, फइन्नल जन्नता हियल मअवा, जन्नत उसी की है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको अपने रिजवान नसीब फरमाए, और उन रस्तों पर चलने के अल्लाह तौफीक दे जिससे अल्लाह के रिजवान को जन्नत की जो नेमत से बढ़कर एक नेमत है, अल्लाह ताला मुझे आपको अता फरमाए और वो काम करने के तौफीक दे जिससे ये नेमत हासिल होती है। फमा तौफीक वना इल्ला बिल्लाह।